नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत मंडल है। इंद्रजीत मंडल ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक नए लोकेशन पे आप लोगों के लिए एक नए ब्लॉक बनाने के लिए। दोस्तों आज हम जा रहे हैं छोटा बांकी डैम, जो कि जमशेदपुर मानगो बस स्टैंड से जो है करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच में देखने को बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही इंजॉय होगा, एंटरटेन होगा आप लोगों का। और आप लोग देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग छोटा बांकी डैम। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं छोटा बांकी डैम जाने के लिए मानगो बस स्टैंड, जो जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ से बस निकल गई है, चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। भाई लोग कैसा लग रहा है मेरा चैनल देख के आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मेहनत करते हैं अपने ब्लॉग वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। अभी आगे बनाइए इनको, और भी अच्छा कंटेंट आएगा इनकी तरफ से। ठीक है भाई लोग, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय भाई। बाय बाय। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं हम बड़ा बांकी में उतर गए। ये जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से जो है ये बड़ा बांकी यहाँ आती है बस, और बड़ा बांकी में उतर के यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है उतर के जो है लेफ्ट साइड में देखिएगा एक रास्ता गया है, ये छोटा बांकी डैम की ओर चला गया है। दोस्तों तो चलिए हम लोग जो है छोटा बांकी डैम की ओर बढ़ते हैं आगे। तो इसी रास्ते से जो है आगे की ओर बढ़ जाना है। यहाँ पे आने के कुछ दूर के बाद में यहाँ पे देखिएगा एक शॉर्टकट रास्ता गया है, इसी जगह पे लेफ्ट साइड में यहीं पे आके मुड़ जाना है ऐसे। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। दोस्तों आज वो घड़ी आ गई और हम लोग छोटा बांकी डैम पहुंच गए हैं। दोस्तों ये रहा आप लोगों का छोटा बांकी डैम, यहाँ से केनल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और यही छोटा बांकी डैम है जो कि बड़ा बांकी में उतर के वहाँ से पैदल आना पड़ता है, और कोई ऑटो वगैरह का साधन नहीं है। अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो वहाँ से ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा, और नहीं तो पैदल भी आ सकते हैं। जैसे कि हम पैदल ही आ गए, ज़्यादा दूर है नहीं, करीबन 3 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर के लगभग में होगा। तो आप लोग पैदल भी आ सकते हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए हम लोग वीडियो में बने रहिए आप लोगों को, और आप लोगों को दिखाते ये हैं बैक कैमरा से। बैक कैमरा से देखना बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये केनल है, ये केनल में पानी ओवर पानी जब होता है तो इधर से केनल से निकाल दिया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आदमी लोग भी स्नान करते हैं, यहाँ पे सामने के जोर भी लोग रहते हैं स्नान करते हैं, और साइड का व्यू देखिए इतना मस्त दिखता है ना। इधर से जो है पानी निकाल दिया जाता है ओवर वाला, ये केनल होके पानी जो है इधर चला गया है। दोस्तों ये नीचे का व्यू है, बहुत ही सुंदर है।
देख पा रहे हैं ये छोटा बांकी डैम है जो कि जमशेदपुर से करीबन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और ये छोटा बांकी गांव में स्थित है। और अगर आप छोटा बांकी डैम आना चाहते हैं तो आपको जो है मानगो बस स्टैंड से, जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से बस पकड़ के बड़ा बांकी में उतरना है और बड़ा बांकी से जो है वहाँ से लेफ्ट की ओर एक रास्ता चली आई है, उसी रास्ता की में आके जो है ना करीबन 2-3 किलोमीटर जो है चलना पड़ता है। वहाँ से कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, आपको या तो अपने गाड़ी से या तो रिजर्व करके गाड़ी आना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप इसका आनंद ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर डैम है और पहाड़ों के बीचों बीच जो है चारों तरफ का जो सुंदर, इतना सुंदर है ना लुक्स यहाँ का, क्या बताएं हम। आप देख सकते हैं वीडियो में, आगे देखिए हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं पूरे। एक बोर्ड लिखा है, ये जो नाम है स्वर्ण रेखा बहुउद्देश परियोजना के अंतर्गत ही ये तैयार किया गया है और इसका उद्घाटन 17/2/2006 को किया गया था। श्री कमलेश कुमार सिंह माननीय मंत्री जल संसाधन तथा खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग झारखंड सरकार के कर कमलों से द्वारा किया गया था। ये डैम बहुत ही सुंदर डैम है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है पहाड़ों के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर में कुछ लोग गए हुए हैं, बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप नीचे की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सीढ़ी भी बना हुआ है, जिस टाइम कम पानी रहता है उस टाइम आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ी देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ बड़ा बांकी डैम आने से जो आने के बाद जो है यहाँ पे से कुछ सब्सक्राइबर भाई लोगों से मिले, बहुत मिल के बहुत अच्छा लगा है लोगों से। कैसे आप लोग भाई लोग? पूरा मस्त है, मस्त है ना। तब बताइए कुछ चैनल के बारे में, कैसा लग रहा है आप लोगों को देख के? आपका चैनल देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और भाइयों आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाने के लिए आप ना भूलें। बस जियो, ठीक है दोस्तों, जियो, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय। जैसे देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है, आप पहाड़ों का भी आनंद ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बहुत सारे लोग गए हैं यहाँ पे ऊपर में चढ़ के जो है टॉप हिल का जो है जैसे मज़ा ले सकते हैं आप भी जाके ऊपर जाके। और यहाँ पे जो है आप बोटिंग वगैरह का सुविधा नहीं है, ये बोटिंग के नाम पे ये जो है टीव है, टीव देख रहे हैं, इसमें बैठ के जो है आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं बोटिंग करके। और यहाँ पे भी अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ में, दोस्त लोगों के साथ में आते हैं यहाँ पे अक्सर। और ये पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अक्सर। यहाँ पे जो है नवंबर दिसंबर जनवरी में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ में, दोस्त लोगों के साथ में बहुत लोग आए हुए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और इधर भी देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने फैमिली के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, दोस्त लोगों के साथ में। आप भी आ सकते हैं अपने गर्लफ्रेंड को लेके, इधर बहुत ही सुंदर जगह है। और पिकनिक अगर मनाना चाहते हैं पिकनिक के लिए बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। बस एक चीज़ ख़राब लगता है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे सामने, ये आदमी जो है ना खा के यहीं पर कूड़ा कचरा फेंक देता है। साफ़ सफाई रखना हम लोगों का दायित्व बनता है, कोई कभी भी कुछ भी खाएँ पिएँ, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन उसको जो है ना सही जगह में जैसे कूड़ेदान है या दूर कहीं ऐसे जगह में फेंक देना चाहिए, ताकि यहाँ पे देखने के लिए जो भी आए या हम लोग भी आए तो हम लोगों को भी ख़राब लगता है, इसलिए इस तरह गंदगी ना फैलाएं दोस्तों। बाकी यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें, फुल्ली एंजॉय।
से आप नीचे की भी ओर जा सकते हैं, नीचे की ओर एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा नीचे का व्यू। डैम का फाटक है, इधर से जब पानी ओवर हो जाता है तो इधर से पानी निकल के इधर नीचे की ओर चला जाता है, जैसे देख पा रहे हैं। इधर कपल्स लोग आके जो है अपना फोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और अब दोस्तों आप घर की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ का वीडियो शूट हो गया है। दोस्तों फाइनली हम रूम आ गए, आज जो है बहुत इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे घूम के। छोटा बांकी डैम देखने लायक है, बहुत सुंदर नज़ारा है, पहाड़ों के एकदम बीचों बीच में है, बहुत सुंदर उसका व्यू है। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे शाम के टाइम में जाइएगा तो और भी मस्त लगता है देखने में, और वो बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। और आज सबसे बड़ी बात है कि मैंने लाइफ में पहली बार अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों से मिल के बहुत खुशी हुआ, सच में दिल से एकदम लगता है कि ऐसे ही। अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं दोस्तों तो कृपया करके मुझे मैसेज कीजिए, मेरे यूट्यूब में के नीचे कमेंट कीजिए, हम आप लोगों से मिलेंगे जरूर, मिलके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो भी कोई नए देख रहे हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट किए हैं और प्यार के बिना आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।